हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मीम्स बाय मीम मिनाटी 2M साहब। इनके चैनल से मीम देखे हुए तो अरसो हो गए हैं, मतलब इतने सारे मीम चैनल, आई एम मिसिंग देम सो मच। सारे के सारे अभी जो भी हम देखते आए हैं, लाइक मीमापुर का, जैसे हमने अभी भी देख रहे हैं मीमापुर एंड ड्रॉप आउट और ट्रेंड फायर और मीम मिनाटी एंड इट्स आर्या ऑफिशियल, मतलब ऐसे सारे के सारे जो मीम चैनल्स हैं, आई एम मिसिंग देम सो मच। और वन ऑफ माय फेवरेट मीम मिनाटी भी, एंड मीमापुर एंड मीम मिनाटी आर वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब इनके चैनल से मीम्स इतने मजेदार होते हैं ना, क्या ही बताओ। तो आज हम मीम मिनाटी 2M के चैनल से मीम्स देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार? मिरेकल। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। तो आओ यार, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की एक लड़की को गेमिंग ऐप लूडो खेलते खेलते यूपी के एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लड़की सरहदों की बंदिशें तोड़ते हुए पाकिस्तान से भारत आ पहुंची। लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला। दोनों ने शादी कर ली और बेंगलुरु में साथ रहने लगे। रुको जरा। हालांकि उनका ये राज ज्यादा दिन तक दुनिया से छिप नहीं सका। पुलिस को इनकी जानकारी मिली और एक्शन लेते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और कुछ इस तरीके से लूडो खेल के शुरू हुआ प्रेम अब सलाखों के पीछे दम तोड़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म हो गया भैया मैटर। शादी में खोपड़ी तो राजा जी लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग थे नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे साइलेंसर गायब है पिस्टन पिस्टन अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या जो भी सब मुंह पे गुमेश इज लॉयल मुंडे पागल ने सारे गला वटियां फटे लार उम्र दी हौली क्या देखना पड़ रहा है बच के रे पूछे चले तो पूछे पूछे चले तो देख लो भाई सो आप क्या काम करते हैं? भाव कुछ नहीं बोलने का, अपन जो बता रहे ना बस उसको रिपीट करने का। अपना बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना। मैडम अपन बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं अपन। इनफैक्ट मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का सोच रही थी। सर क्या चाहिए? मैं काम करना है, मैं काम करना। खत्म गया। तो आ चुका हूँ मैं आज स्कूल के बाहर बच्चों से जानने के लिए कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए जानते हैं बच्चों से। तो आपका नाम क्या है? अनुराग। अनुराग, अनुराग जी
आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, देखो कभी कभार सर जी आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते, ठीक लगता है लेकिन। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की वाइट ड्रेस है, मतलब सरकारी स्कूल के ही आप सब? हाँ, हम सब सरकारी स्कूल के ही। भाई बंदी तो प्राइवेट ही पता ही है इतने। प्यारी समझ गई। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? दिखाए नाटक, घर वालों की याद आ रही है क्या? तो भूख लग रही है क्या? शादी का कोई चक्कर तो नहीं है? अच्छा, जबरदस्ती से शादी हुई है क्या? तो फिर क्यों रो रही हो? जी वो मैं बात रही थी तो टट्टी निकल गई। ये तो नीतीश न्यूज़ है। देखो मैडम, एक को एक उतार लियो, पांच और पांच है में दस, तो हमने लिख दिया यहाँ दस। अब इनमें से मैडम बी ई ले लियो हमने यहाँ, तो वी ई। अभी उतार लियो वाई की वैल्यू, उतार ली यहाँ तो वाई। पांच और में से पांच गए तो जीरो, और चार को चार। आई लव यू मैडम। जीन, नहीं ताश, ओके। सील हम तो। ओके, सील आप तोड़िए, बेस्ट ऑफ लक। कहाँ पहुंचा? अरे बेबी, तो ब्रेक लगा, तू आंखें बंद कर और मैं पहुंच गया। सुन, पहली बार घर आ रहा है तो कुछ लेकर आई हो, खाली हाथ ना जाइयो। ये भी कोई बोलने की बात है? मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूँ अंकल, एक लॉन्ग लास्टिंग 6 इंचेस वाला बेस्ट कॉन्डम दे दो। और हाँ, रूह अफ़ज़ा फ्लेवर देना प्लीज। अंकल रूह अफ़ज़ा फ्लेवर बोला था ना आपको, तूने चाटना है। सारे कॉन्डोम देख जैसे होते हैं। आपको कैसे पता? पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो? A few moments later. तू? आप? खत्म। गुड बाय। गया। अरे सब सब, तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये लास्ट का दो। ये ऐसे मीम्स बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन आजकल मजेदार था। आई लव द वे कि सारे के सारे चैनल्स पे या मीम पेजेस पे द बॉयज वाले ये जो रील्स है, और वो भी एक जैसे नहीं, बहुत सारे से क्रिएटिव तरीके से लोग मतलब मीम्स में पुट अप करके दे शोइंग टू लाइक द बॉयज। ऑफकोर्स मैन, ऑफकोर्स द बॉयज, मतलब वो इतना फेमस, जैसे वो वुमेन वाला, वो चाय वाला जैसे फेमस हुआ था, तो ये द बॉयज यहाँ पे फेमस हुआ है। तो मजेदार है लेकिन, है ना। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।